वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्थ वॉरियर। अगर आप भी नवरात्रों के व्रत के टाइम अपना वजन कम करने का सोच रहे हैं तो आज मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जिससे आपका वजन तेजी से कम हो सकता है। नवरात्रि का पर्व पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं, वहीं कुछ लोग पूरे 9 दिनों तक फास्ट रखते हैं। व्रत के दौरान लोग फल आहार और सात्विक भोजन लेते हैं। ऐसे में नवरात्रि का टाइम वजन घटाने के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वजन घटाना चाहते हैं तो नवरात्रि के टाइम आप इसे आसानी से कम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने खान पान में कुछ बदलाव करने होंगे। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिन्हें फॉलो करके आप नवरात्रि में आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है, आप हरी सब्जियों और फल खा सकते हैं। फास्ट के दौरान तली भुनी चीज़ें खाने से वजन तेजी से बढ़ सकता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो फल और सब्जियों को डाइट में शामिल करें, क्योंकि फल और सब्जियों में फाइबर होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। ऐसे में इसका सेवन करने से बार बार भूख भी नहीं लगती, जिससे वजन घटाना आसान हो जाता है। व्रत के दौरान आप ताजे फल और सब्जियों का जूस बनाकर पी सकते हैं, जो कि आपके वजन को कम करने के लिए काफी फायदेमंद है। नेक्स्ट बात करते हैं, आप खूब सारा पानी। व्रत के दौरान अक्सर लोग पानी कम पीते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से आपको कमजोरी, थकान और चक्कर आना जैसी समस्याएं भी हो सकती है। इससे बचने के लिए आप भरपूर मात्रा में पानी पिए। अगर आपको सादा पानी पीना पसंद नहीं है तो आप नारियल का पानी या फिर छाछ जूस, लस्सी और नींबू पानी आदि का सेवन कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ बॉडी हाइड्रेट रहेगी बल्कि डिटॉक्स करने में भी मदद मिलेगी। इससे आपका वजन घटाने में भी काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आप हैवी ब्रेकफास्ट खाएं। व्रत के दौरान भी आपको हैवी ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। आप सुबह नाश्ते में दूध के साथ केला या रात में भिगोए हुए ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा हुआ रहेगा, जिससे आपको आप ओवर ईटिंग करने से भी बच जाएंगे। साथ ही इससे आपके शरीर को एनर्जी भी मिलेगी और साथ ही आपका वजन भी कम होगा। सेकेंड बात करते हैं, आप घर का बना हुआ खाना ही खाएं। आजकल ज़्यादातर लोग व्रत में पैकेज फूड खाना पसंद करते हैं। व्रत वाले लोगों के लिए चिप्स, नमकीन और लड्डू आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन इन पैकेज फूड्स में फैट और शुगर की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इन्हें खाने से हमारा वजन तेज़ी से बढ़ता है। अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पैकेज फूड के बजाय आप घर का बना हुआ खाना खाएँ। स्नैक्स में आप भुना खाना या फिर मूंगफली खा सकते हैं। इससे आपको आपको वजन कम करने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहें। व्रत के दौरान वजन घटाने के लिए पौष्टिक आहार के साथ फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दें। व्रत के दौरान ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपका वजन बढ़ सकता है। इसलिए व्रत में भी रोज़ाना कुछ न कुछ फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करें। हालांकि अगर आपको ज़्यादा थकान या कमजोरी महसूस हो तो ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से भी बचें। अगर आपको इन टिप्स से कोई हेल्प मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप कमेंट में भी ज़रूर बताएं कि आपको टिप्स फॉलो करके क्या क्या बेनिफिट्स मिले हैं। थैंक यू।